था। आगे बढ़ते बड़ी खबर के साथ जोधपुर से, जहां पर भारतीय वायुसेना और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान का संयुक्त युद्धाभ्यास। भारतीय वायुसेना अपने लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI की जानकारी साझा करेगी। ओमानी वायुसेना अपने लड़ाकू विमान F-16 के बारे में जानकारी साझा करेगी। ओमान से 5 F-16 विमान जोधपुर आए हैं। वायुसेना स्टेशन भारत और ओमान के बीच में हर 3 साल में इंटर ब्रिज युद्ध अभ्यास होता है। जोधपुर में 19 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक ये 6ठा संस्करण चलेगा। तो संयुक्त युद्धाभ्यास भारतीय वायुसेना और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान का। भारतीय वायुसेना अपने लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI की जहां जानकारी साझा करेगी, तो वहीं ओमानी वायुसेना अपने लड़ाकू विमान F-16 के बारे में जानकारी साझा करेगी। अरुणाज जुड़ रहे हैं इस खबर पर जानकारी के साथ, जमीरिया संवाददाता। अरुण, क्या कुछ खास है इस बार इस युद्धाभ्यास में? मैं कहूंगा जिस तरह से हर 3 साल के बाद में ओमान और भारतीय वायुसेना के बीच में ये आयोजन किया जाता है, युद्धाभ्यास किया जाता है, जिसमें दोनों ही देशों के जो है वायु योद्धा अपने एक दूसरे के देश की जो फाइटर्स विमान है उसके बारे में जानकारियां साझा करते हैं और साथ ही साथ टारगेट पे जो निशाना लगाते हैं। उसी कड़ी में ये आयोजन, ये 6ठा संस्करण है जो इस बार जोधपुर में आयोजित हो रहा है। उससे पहले 5 संस्करण है, जो पिछला संस्करण है वो ओमान में आयोजित किया गया था 2019 में, और इस बार जो ये आयोजन किया जा रहा है उसमें F-16 और भारतीय विमान जो है MKI और सुखोई 30 को लेकर इसके बारे में साझा जानकारियां करेंगे। और इसके कारण से जो है 19 फरवरी से ये लेकर 25 फरवरी तक ये अभ्यास यहाँ जोधपुर में आयोजित किया जा रहा है। इस युद्ध अभ्यास को लेकर एक बात और बताना चाहूंगा सुमित, मैं कि जोधपुर एयरपोर्ट पर जो शेड्यूल्स है फ्लाइट्स का, उनको काफी बदलाव किया गया है और जो फ्लाइट्स के शेड्यूल के साथ, यानी बहुत महत्वपूर्ण है ये युद्ध अभ्यास दोनों ही वायु सेनाओं के लिए। बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए।